तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेशल इंटीग्रेशन के 6 टाइप के बारे में। आज हम उन्हीं 6 टाइप पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में, उनके सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उनमें से जो सबसे पहली फॉर्म है वो ये फॉर्म थी, हम लोगों ने ये फॉर्म पढ़ी थी। और इस फॉर्म को जो इंटीग्रेशन होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हो, हमारे पास अगर क्वेश्चन होता कि इंटीग्रेट 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो अब इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले के बेस पर हम लोग को करना होता है। तो इस फॉर्मूले के बेस पर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है उसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को बना दे। तो उस क्वेश्चन इस फॉर्म में कैसे इसको बना सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जैसे फॉर्मूला है इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है उसी तरीके से फॉर्मूले में हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या दे रखा है, इतनी वैल्यू दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा 1/2 ए का मतलब कितना 3 लॉग मॉड कितना ए प्लस एक्स यानी 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, और साथ में क्या एक कॉन्स्टेंट दे रखा है, तो ये इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हमने ऐड कर दिया। तो यानी इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हम लोग याद है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके सीधे इसका इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाए, अगर हमारे पास क्वेश्चन ये हो जाए इंटीग्रेशन साइन एक्स 1/4 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना हो। ठीक है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटीग्रेशन साइन एक्स 1/4 कॉस स्क्वायर एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसका क्या तरीका होता है। तो इसमें भी हम लोग को क्या करना है, फॉर्म तो हमको इसी तरीके से दिख रही है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर की जगह पर कितना है 1 है और एक्स स्क्वायर की जगह पर ये पूरी एक वैल्यू है। ठीक है, और इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ऊपर साइन एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होता है कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जैसे ये फॉर्म बनी हुई है उसी फॉर्म में इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, ये अगर आई है तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट 2 cos x, अगर 2 cos x को हम यहाँ पर टी एज्यूम कर दें तो डिफ्रेंशिएशन कर दें फिर उसके बाद, तो 2 cos x का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे dt/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए 2 एक कांस्टेंट है तो 2 ऐसे आ जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा, और साथ में कितना dt/dx, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर हम लोग कर सकते हैं sin x और dx को एक साथ कर सकते हैं, sin x dx इक्वल टू कितना -1/2 dt, ये सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब ये जो साइन एक्स डी एक्स है यहाँ पर हम इसके फॉर्म यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ से देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन बन जाएगा, इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं 1/2 dt/ कितना 1 को 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, और ये जो वैल्यू लिखी इसको 2 cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 cos x का होल स्क्वायर कर इसको लिख दें, 2 cos x का होल स्क्वायर मतलब 2 cos x को माना कितना है टी, तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये जो फॉर्म है ये तो एक कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू बनी है तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है, ये जो वैल्यू कुछ इसी तरीके से फॉर्म में दिख रही है, तो मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम बाहर कर दें और उसके बाद इस पर हम ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है कितना 1/2 a, 1/2 a की वैल्यू कितनी है 1 log mod और यहाँ पर है a प्लस x यानी 1+t/1-t और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पर t की जो वैल्यू थी वो वैल्यू रख देते हैं, कितना आ जाएगा -1/2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा log mod 1+2 cos x/1-2 cos x और साथ में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो अगर डायरेक्टली उस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन तो क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके उस फॉर्म में बनाएंगे जो इंटीग्रेशन की फॉर्म होती है, उसके बाद उस पर हम क्या कर देंगे इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ना पूछ करके क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछता, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन ये है,
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है हमको 1/5 माइनस का 4x और माइनस का x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। या इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैथड तो इस क्वेश्चन के लिए यही अप्लाई होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैथड यही अप्लाई करेंगे। तो लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर उस फॉर्म में बना नहीं है। तो अगर यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं बना है तो इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में हम लोग इसको चेंज कर देंगे। तो कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं परफेक्ट स्क्वायर मैथड, यानी पूर्ण वर्ग जो विधि होती है, पूर्ण वर्ग बना करके उस विधि से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, मेथड क्या होता है उसको बनाने, पूर्ण वर्ग बनाने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, तो उसके लिए रूल्स होते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होना चाहिए वन और पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो या तो वन होना चाहिए और पॉजिटिव, वन एंड पॉजिटिव दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, एक्स वाली जितने भी टर्म है उनको एक साथ कर लें, तो ये आ जाएगा 4x और प्लस का एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ से क्या आ गया, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो पॉजिटिव भी आ गया है और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव वन है, ठीक है। उसके बाद जो x का कोफिशियंट होता है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2, और जो वैल्यू आएगी स्क्वायर करने पर वो तो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 4x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 4 यहाँ पर x का कोफिशियंट कितना है 4 है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और 2 का स्क्वायर क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे, ठीक। ये हो गया। अब इतने फॉर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन dx अपॉन कितना, ये आ जाएगा 5 है और माइनस का कितना लिख दें, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर की लिखा है, क्योंकि यहाँ पर कितना कैसा साइन आ रहा, प्लस का रहा, और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना 4। तो देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन कितना 5 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, और माइनस का कितना आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ये अब देखें तो जो क्वेश्चन की फॉर्म थी वो कुछ इसी तरीके से बन गई, बस x की जगह पर कितना है x प्लस 2 है, ठीक है। यानी यहाँ पर अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर हम इसको t माने तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो उसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से इंटीग्रेशन अब कर सकते हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करें कितना आ जाएगा, 1/2a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 9 है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, यानी 3 आ जाएगा, और log मॉड कितना a प्लस x, यानी 3 प्लस x प्लस 2 और 3 माइनस x प्लस 2, और साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा ये, तो यानी यहाँ से ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 1/6 log मॉड कितना x प्लस 5, और यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस का x प्लस c। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस x। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्या किया यहाँ पर, अगर क्वेश्चन कभी भी इस तरीके से मिल जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हमें ये जो फॉर्मूले का फॉर्म होती है, इस फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करेंगे और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है। परफेक्ट स्क्वायर मेथड में करते क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होना चाहिए वो पॉजिटिव और वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और वन, यानी धनात्मक और एक होना चाहिए। तो इसके लिए हमने माइनस अगर कॉमन निकाले तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये प्लस का वन हो जाएगा, तो जो कोफिशियंट हो गया वो प्लस वन हो गया, यानी प्लस वन हो गया, और यहाँ पर भी कितना हो गया, प्लस में आ गया। अब क्या करेंगे, जो x यहाँ पर x, फिर यहाँ वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर यहाँ पर आ जाएंगे x की पावर वन वाले के कोफिशियंट पर, यानी x का जो कोफिशियंट होगा, x का जो कोफिशियंट होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी इसका कोफिशियंट कितना है, 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया और घटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू बन गई, ये स्क्वायर बन गया, तो इसको क्या लिख दिया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 लिख दिया हमने। तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा,
तो ये क्वेश्चन की फॉर्म बन गई। अब जैसा फॉर्मूला था वैसा यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना आ गया, एक्स प्लस टू आ गया। तो अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो इसको टी मानेंगे तो डीएक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, डीटी आ जाएगा। तो यानी इसका इंटीग्रेशन हम सीधे इस तरीके से कर देंगे। कितना फॉर्मूला होता है, वन अपॉइंट टू है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री का स्क्वायर इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, वन अपॉइंट टू ए की वैल्यू थ्री हो जाएगी। और लॉग कितना होता है, ए प्लस एक्स, ए की वैल्यू कितनी है, थ्री प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, ये पूरी वैल्यू है माइनस सॉरी अपॉन ए माइनस एक्स, तो ए की वैल्यू थ्री आ जाएगी, माइनस एक्स की जगह पर ये पूरी वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरीके से अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लें, जैसे हमारे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए बोलता, क्वेश्चन होता इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस सॉरी ना यहाँ पर लिख सकते हैं 16 माइनस का एक्स स्क्वायर dx। अब इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन की फॉर्म तो बनी हुई है लेकिन दिक्कत है कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा दे रखा है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका तरीका क्या है कि यहाँ पर हम लोग जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ जो न्यूमरेटर में वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन हम इसको कर दें 16, यहाँ पर 16 इसी फॉर्म में बनाना है, 16 माइनस 16 और प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन कितना लिख सकते हैं, 16 माइनस का एक्स स्क्वायर dx, ये वैल्यू लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 16 अपॉन 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो माइनस अगर हम कॉमन ले ले, देखिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इंटीग्रेशन की फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पर क्या किया कि हमने पहले लिखा था 16 प्लस 16 माइनस 16 और प्लस का एक्स स्क्वायर था, और अगर माइनस एक्स का माइनस कॉमन ले ले तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि इसको 16 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं, और माइनस का ये जो 16 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 16 को बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx और माइनस का 1 dx, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब इसका इंटीग्रेशन हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 16 1 अपॉन 2a, 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 log mod a प्लस x यानी 4 प्लस x अपॉन 4 माइनस का x, और माइनस का इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, और साथ में एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक करके वैल्यू को इंटीग्रेशन के फॉर्म में, इस फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसके बाद क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो अब देख लेते हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले पर किस किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 4 dx, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला दे रखा है उसी तरीके से क्या कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2a की जगह पर कितना है, 4 है, log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4, एक कॉन्स्टेंट अप्लाई किया यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 8 log x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है तो उसको क्या कर सकते हैं, सीधे हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला दे रखा है वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला क्या कर देंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस फॉर्मूले पर बेस्ड अगले क्वेश्चन की बात करें, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है कि जो अगर इस पर डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं, इस पर हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला दे रखा है उस पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो किस तरीके से, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे माइनस 9 और लिख देंगे प्लस 9,
इससे तो कोई इक्वेशन में फर्क पड़ेगा नहीं, तो देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, कैसे अलग अलग करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डी एक्स प्लस, और नाइन वाला जो टर्म है उसको अलग कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का नाइन, ऐसे कर देंगे। अब देखिए ये वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, कितना बच जाएगा यहाँ पर, वन बचेगा, वन का इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस नाइन को बाहर कर देंगे, वन अपॉन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। अब वन का इंटीग्रेशन अगर करें तो वन का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और नाइन नाइन, और इस पर अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्म बन गई, नाइन को क्या लिख देंगे, थ्री का स्क्वायर, नाइन को क्या कर दें, थ्री का स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन की पूरी फॉर्म वही बन चुकी है, अब क्या करें, यहाँ पर सीधे फॉर्मूला अप्लाई करें, क्या फॉर्मूला होता है, वन अपॉन टू ए, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री और प्लस में कॉन्स्टेंट, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या सिंप्लीफाई कर दें अगर इसको, तो एक्स प्लस नाइन इसको थ्री से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री और प्लस में एक कॉन्स्टेंट, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस का अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग पहले सिंप्लीफाई करके जो क्वेश्चन की फॉर्म होती है, जो फॉर्मूले की फॉर्म होती है, उस फॉर्मूले में उसको चेंज करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तब जाके हमारा इंटीग्रेशन कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन होता, इंटीग्रेशन करना होगा वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर थर्टीन एक्स माइनस टेन, इसका इंटीग्रेशन कर करना हो, इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उस टाइप के, मतलब अपॉन में जो अपॉन में वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से अगर कोई वैल्यू दे रखी है तो उस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग क्या मेथड यूज़ करते हैं, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, मेथड यही अप्लाई करना है, और इस मेथड में हम लोग करेंगे क्या, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है कि अगर ये आई है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू, देखिए यहाँ पर डी एक्स अपॉन कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर जो थ्री एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले जो कंडीशन होती है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, वो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होना चाहिए वो वन होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव तो है वन बनाना, तो क्या करें, थ्री कॉमन ले लें, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा, जब इसको थ्री से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, थर्टीन अपॉन थ्री एक्स और माइनस का टेन अपॉन थ्री, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो ये जो वैल्यू होती है वन पॉइंट थ्री को बाहर कर देते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू होती है जो एक्स का कोफिशेंट, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है पॉजिटिव भी हो गया, वन भी हो गया, अब एक्स के कोफिशेंट को टू से डिवाइड कर दें और उसका स्क्वायर क्या कर दें, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा थर्टीन अपॉन, थर्टीन अपॉन थ्री है, इसको टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, थर्टीन अपॉन सिक्स, और यानी थर्टीन अपॉन सिक्स का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे, तो इसको लिख देंगे थर्टीन अपॉन सिक्स का स्क्वायर ऐड कर दिया माइनस थर्टीन अपॉन सिक्स का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और माइनस का ये टेन अपॉन थ्री लिख लिया, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, वन अपॉन थ्री हो गया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स प्लस थर्टीन अपॉन सिक्स का कितना होल स्क्वायर, और यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करें तो माइनस है तो यह आ जाएगा वन सिक्सटी नाइन अपॉन थर्टी सिक्स माइनस टेन अपॉन थ्री, ये वैल्यू आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर वन अपॉन थ्री ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस थ्री थर्टीन अपॉन सिक्स का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या करें, एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा माइनस का 36, और यहाँ पर वैल्यू 169, और यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई कर दे, 12, तो कितना आ जाएगा 120, सॉरी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, आई इक्वल टू वन अपॉन थ्री इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस थर्टीन अपॉन सिक्स का होल स्क्वायर और माइनस ये आ जाएगा नाइन एट टू अपॉन थर्टी सिक्स,
ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं i इक्वल टू 1/3 डी एक्स अपॉन कितना x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस कितना 17/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो ऊपर वैल्यू लिखी वो क्या है 17 का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब अगर ये क्वेश्चन आप देखें तो ये क्या है, इस फॉर्मूले की एक फॉर्म है, यानी ये जो फॉर्म है इस फॉर्मूले से अप्लाई की जा सकती है, तो यानी इस पर ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दिया जाए तो आंसर देखिए कितना आ जाएगा 1/3, तो ये तो रहेगा। उसके बाद 1/2a की वैल्यू कितनी है 17/6 है, और log mod x माइनस 3, तो x है कितना x प्लस 13/6 और माइनस का 17/6 अपॉन x प्लस a हो जाएगा, तो x प्लस 13/6 और प्लस कितना 17/6 और साथ में एक कांस्टेंट, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 2 से 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 1/17 log mod। अगर यहां पर एलसीएम करें तो देखिए डिनोमिनेटर में 6 दोनों में है, तो 13-17 कितना आ जाएगा 4, 13-17 माइनस का 4 बचेगा, और एलसीएम अगर इसके साथ कर दे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस का 4, सॉरी माइनस का 4 आ जाएगा, और अपॉन में देखिए अपॉन में 6 बचेगा, अपॉन में यहां पर ऐड करें तो यहां पर कितना आ जाएगा ये 30, तो 6x प्लस 30 कितना आ जाएगा 6x प्लस 30 ये आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, अब चाहे तो हम यहां से 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा i इक्वल टू 1/17 log 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3x हो जाएगा माइनस का 2, अपॉन में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और प्लस में एक कांस्टेंट, ये आंसर यहां से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अगर कोई क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में इस तरीके से दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है कि जो x स्क्वायर का कोफिशियंट है उसको 1 बना दें और पॉजिटिव होना चाहिए, तो x स्क्वायर के कोफिशियंट को 1 और पॉजिटिव बनाने के लिए 3 कॉमन निकाल लिया है। उसके बाद x पर आते हैं तो x का कोफिशियंट जितना होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसको 2 से डिवाइड किया 13/6 हो गया, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर का, और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस तरीके से, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 289/36, और ये स्क्वायर होता है 17/6 का स्क्वायर होता है, 17/6 का क्या है स्क्वायर हो गया, तो ये जो फॉर्म होगी बिल्कुल इस फॉर्मूले के पर बेस्ड होगी, बिल्कुल उसके जैसे होगी, तो यानी इस क्वेश्चन पर हम ये फॉर्मूला आगे अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 1/3 को बाहर कर देंगे, इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो 1/2a की जगह पर कितना 17/6 और log x माइनस a x की पूरी वैल्यू माइनस a की ये पूरी वैल्यू अपॉन x प्लस a x की पूरी वैल्यू ये प्लस x a की वैल्यू ये हो जाएगी, 2 से 3 टाइम्स और 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1/17 आ जाएगा log, यहाँ पर अगर एलसीएम करें पूरे में एलसीएम कर दे तो ये कितना आ जाएगा 6x आ जाएगा, यहाँ पर 6x आ जाएगा, यहाँ पर 13-17 कितना माइनस का 4 बचेगा, ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से 6x प्लस 13+17 कितना 30 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 6x जो वैल्यू अपॉन में दे रखी है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे 2 से 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे कैंसिल कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 3x आ जाएगा प्लस का 15 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूले पर बेस्ड अगर है या फॉर्मूला पर डायरेक्टली नहीं बनना है तो उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो उस फॉर्मूले के जैसा हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो अगर चैप्टर अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के जो स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम लोग डिस्कस किए थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ़।